हवा की क्वालिटी परखने के लिए दिल्ली मौसम विभाग से उड़ाई गई रिसर्च डिवाइस बुलंदशहर में एक ईंख के खेत में आ गिरी। इससे इलाके में दहशत के साथ अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटनास्थल पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सूचना के बाद पहुंचे मौसम विभाग और पुलिस के अधिकारियों ने डिवाइस को बंद कर सील कर दिया। मौसम विभाग के आला अफसरों को भी इस घटना की जानकारी दे दी गई है। हाँ डॉक्टर साहब, ये कल एक बुलंदशहर के गांव में मौसम विभाग का कई उपकरण जो है गिरने का मामला सामने आया है, क्या पूरा ये मामला है? जी, ये बराल गांव पड़ता है गुलावटी के पास, वहाँ पर बैठती मड़ैया के पास एक उड़ता हुआ पैराशूट के माध्यम से गिरा, जिसकी सूचना पुलिस ने हम लोग को दी। मौके पर जाके जब हम लोग ने देखा तो उसमें एक डिवाइस काम कर रहा था, तो उस डिवाइस को जब इनएक्टिवेट किया और सारी विवरण लिया तो उस पर IMD भारतीय मेट्रोलॉजिकल विभाग का उस पर पता लिख रहा था। उनसे संपर्क साधने पर पता चला कि वो शोध की वजह से इन्होंने, जैसे हम लोग कई बार क्या होता है मेट्रोलॉजी वाले कि जमीनी डाटा को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जमीन के ऊपर की हवा के उसके वातावरण को जानने के लिए कुछ वैज्ञानिक पहलुओं को जो कि हम लोग को भी नहीं पता रहते हैं, उसके स्टडी के लिए इस तरह की बैलून छोड़े जाते हैं और वो सारे डाटा रिकॉर्ड करके उनको इस तरह की जो अनुसंधान और शोध चल रहे हैं उसमें वो मदद करते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा घबराने की या उसकी वो नहीं है, उनको अवगत करा दिया गया है, वो आके आज अपना डिवाइस ले जाएंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये और जानना चाह रहा था, ये जो है ये उपकरण और ये जो था ये गिरा किस कारण से, मतलब ये फेल हो गया? ये कई तकनीकी खामियों की वजह से गिरा है, थोड़ा मौसम का भी इसमें हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि कल तापमान बहुत ज़्यादा था, उसमें रबर का जो है बैलून लगा रखा था जो शायद फट गया हो, वो सब आज आने पर पता चलेगा, तकनीकी रूप से हम लोग उसको देख पाएंगे। तो ये किस डिपार्टमेंट का था? ये भारतीय वेधशाला जो है नई दिल्ली मौसम भवन जो है वहाँ से लोधी रोड पे इनका कार्यालय है, उससे संबंधित है। तो ये किस संबंध में किस शोध के लिए उड़ाया गया था? हाँ, जैसे हम लोग अभी मैं बात कर रहा था, जैसे कि हम लोग जो भी वेद की बातें करते हैं, सतह लेवल पर ही सारी वेधशालाएं हैं जो जमीन से ऊपर 100 फीट 150 फीट ऊपर हमारी वायु कैसी है या उसका संगठन कैसा है या उसमें जलवायु में क्या चेंजिंग आ रही है, उस तरह की स्टडी करने के लिए, वहाँ के डाटा लेने के लिए इसी तरह के उपकरण का प्रयोग किया जाता है कि जो ऊंचाई पे भी जाके हमारी वायु की दशा की सही स्थिति हम लोग को अवगत करा सके, जिससे कि आने वाले समय में एक हम लोग एक्यूरेसी जो कहते हैं हम लोग की सटीक जानकारी की ओर बढ़ सके। थैंक यू डॉक्टर।